कल्पना करें कि आपका स्मार्टफोन आपकी धड़कन सुनकर संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगा सके और आपको पहले ही लक्षण महसूस हो। ये विज्ञान कथा की तरह लगता है ना? लेकिन रोलैंड डेकोर्ट के लिए एक कोड ब्रेकर तकनीक इनोवेटर बन गया। यह दृष्टि तेजी से एक वास्तविकता बन रही है। प्राचीन ग्रंथों को डिसीफर करने से लेकर स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति लाने तक डीकोड की यात्रा असाधारण नहीं है। एक व्यक्तिगत त्रासदी से संचालित और एक मास्टर कोड ब्रेकर के कौशल से लैस अदालत एक मिशन पर है, जिससे दिल की गुप्त लय को अनलॉक करने के लिए, संभावित रूप से इस प्रक्रिया में अनगिनत जीवन बचाने के लिए। रोलैंड डीकोर्ट्स की शुरुआती प्रेरणा। रोलैंड डीकोर्ट्स की कहानी बेल्जियम में एक नर्सिंग होम में एक असंभावित जगह से शुरू होती है। बचपन में अदालत बुजुर्ग निवासियों के बीच था, जिनकी धीरे धीरे मानसिक गिरावट उन्होंने गहराई से देखी। व्यवहार और स्वास्थ्य में सूक्ष्म परिवर्तनों की इस प्रारंभिक समझ ने उस पर स्थायी प्रभाव डाला, जिससे मिनट विवरणों को नोटिस करने की क्षमता तेज हो गई। लेकिन जब उनके पिता की भयानक घटना घटी, तभी उनके भविष्य का मार्ग तय हुआ। जब अदालत सिर्फ 11 साल का था, तो उनके पिता ने सीने में दर्द और अनावश्यक भावना के साथ आधी रात में उठना शुरू किया। दो डॉक्टरों से मिलने के बावजूद दोनों ने अपने स्टेथोस्कोप से जल्दी सुनने के बाद उनके लक्षणों को केवल चिंता के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन समस्या बनी रही। यह तब तक नहीं था जब तक कि 103 डॉक्टर ने स्कैन का पूरा सेट नहीं किया था कि सच्ची समस्या का पता चला था। उसके दिल में एक छोटा लेकिन संभावित घातक छेद, निदान ना होने पर उनकी मौत हो सकती थी। यह अनुभव डीकोर्ट के लिए एक जागरूक कॉल था, जिसने उन्हें एक ऐसे उपकरण बनाने की गहरी इच्छा पैदा की जो भविष्य में ऐसी निकट मिस को रोक सके। कोड ब्रेकिंग से लेकर चिकित्सा नवाचार तक डीकोर्ट की बौद्धिक यात्रा उन्हें एक नर्सिंग होम के गलियारे से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पवित्र हॉल तक ले गई, जहां वह अब तक भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के बेल्जियन बन गए। 17 साल की उम्र तक वह पहले से ही प्राचीन कोर्ट में विशेषज्ञता कर रहे थे। एक ऐसे क्षेत्र को तोड़ रहे थे जिसमें गहन फोकस, पैटर्न मान्यता और जटिल प्रणालियों की गहरी समझ की आवश्यकता थी। डी कोर्टे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने काम के लिए मान्यता पाई। शिक्षाविदों में एक आरामदायक करियर अपरिहार्य लग रहा था, लेकिन उनके पिता की मृत्यु के साथ करीबी कॉल की याद उन्हें कभी नहीं छोड़ी। अपेक्षित रास्ते का पीछा करने के बजाय सजावट ने अपने कौशल को पूरी तरह से अलग प्रकार के कोड, मानव दिल के जटिल, अक्सर गलत समझे संकेतों पर लागू करने का चयन किया। 2019 में कोई औपचारिक चिकित्सा प्रशिक्षण नहीं, लेकिन अंतर बनाने की अथक ड्राइव के साथ डेकोर्ड ने अपनी कंपनी बनाई जो भविष्य के उद्योगों को डिकोड करती है। उनका लक्ष्य ऐसी तकनीक विकसित करना था जो शरीर में रोग के शुरुआती लक्षणों को लगातार उठाकर निगरानी कर सके, जैसा उन्होंने नर्सिंग होम में सूक्ष्म संकेत देखे थे। अदालत जानता था कि अंतर बनाने के लिए तकनीक को न केवल नवीन बल्कि सुलभ भी होना चाहिए। इसका मतलब एक ऐसे उपकरण बनाना है जिसका कोई भी उपयोग कर सकता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या स्थान की परवाह किए बिना। वह महत्वाकांक्षी था और एक ऐसा समाधान चाहता था जो रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत हो सके। एक ऐसा स्मार्टफोन ऐप जो आपके शरीर को सुन सके और स्वास्थ्य पर वास्तविक समय प्रतिक्रिया दे। लेकिन इस नवाचार का रास्ता कुछ भी सरल नहीं था। इस जीवन रक्षक तकनीक को बनाने के लिए चुनौती डेकोर्ट के पहले प्रयास महत्वाकांक्षी थे, लेकिन चुनौतियों से भरे थे। उन्होंने कपड़ों में सेंसर को एकीकृत करने का प्रयास किया, एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां लोग डॉक्टर के बिना अपने संकेतों की निगरानी कर सकें। लेकिन इन शुरुआती प्रयासों में जल्दी से समस्याओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से शोर का मुद्दा था। पहनने वाले के आंदोलनों से सेंसर बहुत आसानी से बाधित हो गए, जिससे सटीक रीडिंग प्राप्त करना मुश्किल हो गया। उन्होंने फिर निराश किए बिना सेंसर से भरे एक विस्तृत एक्सोस्केलेटन डिजाइन किया। उम्मीद थी कि यह समस्या हल होगी। परियोजना ने सेना से भी कुछ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन यह अभी भी समाधान दिवस अदालत की तलाश में नहीं था। एक्सोस्केलेटन रोजमर्रा के उपयोग के लिए बहुत जटिल और अव्यावहारिक था, विशेष रूप से उसके पिता जैसे किसी के लिए। यह तीव्र परीक्षण और त्रुटि की इस अवधि के दौरान था, उनके घर में एक अतिरिक्त कमरे से काम करते हुए, कि अदालत को एहसास हुआ कि समस्या सिर्फ सेंसर नहीं थी, यह स्वयं शोर था। शोर की अवधारणा को अक्सर प्रौद्योगिकी में एक बाधा के रूप में देखा जाता है, कुछ ऐसा कम या समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन दिन की कोर्ट ने इसे अलग तरह से देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि शोर सिर्फ एक बाधा नहीं है, यह सही ढंग से संभाला गया तो मूल्यवान जानकारी का स्रोत भी हो सकता है। यह AFRD छात्रा एरिका बोंडरेवा के साथ एक संयोग की बैठक थी जो खांसी का विश्लेषण करके COVID-19 का निदान करने पर काम कर रही थी, जिसने आवश्यक सफलता सजावट प्रदान की। बोंडरेवा के काम में बीमारी से जुड़े पैटर्न का पता लगाने के लिए ऑडियो डेटा का उपयोग करना शामिल था, और एक साथ उन्होंने हृदय की समस्याओं से शुरू होने वाली अन्य स्थितियों के लिए समान तकनीकों को लागू करने के विचार का पता लगाना शुरू किया। ये महसूस करना कि ऑडियो, स्पर्श नहीं, दिल की गुप्त लय को डिकोड करने की कुंजी हो सकती है,
एक गेम चेंजर था। धीरे धीरे सजावट ने एक्सोस्केलेटन में हर सेंसर को एक साधारण माइक्रोफोन से बदल दिया। क्रांतिकारी दृष्टिकोण जो सजावट और बॉन्ड्रेव ने अगला विकसित किया वह वास्तव में अभिनव था। भारी सेंसर या जटिल हार्डवेयर के बजाय उन्होंने महसूस किया कि समाधान उतना सरल हो सकता है जितना कि अधिकांश स्मार्टफोन में पहले से ही पाया गया माइक्रोफोन है। उन्नत एल्गोरिदम का लाभ उठाकर वे पृष्ठभूमि शोर को फिल्टर कर सकते हैं और शरीर के सबसे सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मानव दिल एक कोड की तरह अनूठे पैटर्न और लय हैं जो हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। सजावट की तकनीक इन पैटर्न को सुनने के लिए डिजाइन की गई है। संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने के लिए एआई का उपयोग करके वे गंभीर होने से बहुत पहले हैं, लेकिन यह संभावना हृदय स्वास्थ्य से नहीं रुकती है। सजावट एक भविष्य की कल्पना करती है जहां एक एकल ऐप आपके स्मार्टफोन के माइक्रोफोन द्वारा संचालित पेट के कैंसर से लेकर रक्त शर्करा के स्तर तक भाषण और आंदोलन के साथ समस्याओं तक विभिन्न स्थितियों का निदान कर सकता है। यह सब एक समाधान में आसान हो सकता है। जिस तरह से हम अपने स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं, कई ऐप्स और उपकरणों की आवश्यकता को बदल सकते हैं। इस तकनीक का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन प्राप्त करने की कल्पना करें जिससे आपको इसे अपने सीने पर दबाने के लिए कहना चाहिए। कुछ ही सेकंड में आप एक विस्तृत पढ़ना प्राप्त सकते हैं जो हृदय की समस्या को जल्दी पकड़ सकता है या आपको अपने ब्लड शुगर के साथ समस्या के बारे में सतर्क कर सकता है। अदालत के पिता जैसे किसी के लिए इस तरह की तकनीक जीवन बदल सकती है। यह भविष्य से बाहर कुछ लग सकता है, लेकिन अदालत का काम इसे एक वास्तविकता बना रहा है। यह तकनीक स्थान या आय से सीमित नहीं है, क्योंकि यह स्मार्टफोन जैसी व्यापक चीज पर निर्भर करता है। इसमें उन्नत स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करने की क्षमता है, दूर दराज क्षेत्रों में भी। एक ऐसी दुनिया में जहां स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच असमान हो सकती है, नवाचार अंतर को पाटने में मदद कर सकता है, जल्दी निदान और निवारक देखभाल प्रदान कर सकता है, चाहे वे कहीं भी हों। नैदानिक परीक्षण और वास्तविक दुनिया का प्रभाव, जबकि अदालत की तकनीक अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, यह पहले से ही चिकित्सा समुदाय में लहरें बना रहा है। भारत में वर्तमान में क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, ऐसे देश जहां उन्नत स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। परीक्षण ECG रीडिंग जैसे पारंपरिक तरीकों के खिलाफ तकनीक की सटीकता का परीक्षण कर रहे हैं और परिणाम आशाजनक हैं। एक स्थानीय डॉक्टर शुरू में संदेह में था, एक घोटाले का संदेह था, जब तक कि ऐप से रिकॉर्डिंग नहीं चलाई गई। डॉक्टर टेप पर अपनी आवाज सुन सकता था और जब रीडिंग 99.96% सटीकता के साथ उसके ECG के अनुरूप मेल खाती थी तो उसका संदेह जल्दी से आश्चर्य में बदल गया। सटीकता का यह स्तर अदालत की तकनीक को अलग करता है। पहनने योग्य उपकरणों के विपरीत, जिन्हें अक्सर पुनर्निर्धारण की आवश्यकता होती है और बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकता है, माइक्रोफोन आधारित दृष्टिकोण उल्लेखनीय रूप से सुसंगत है। और क्योंकि यह एक ऐसे उपकरण पर आधारित है जो लगभग हर किसी के पास है, एक स्मार्टफोन प्रवेश की बाधा कम है। मरीज महंगे उपकरणों या नियमित डॉक्टर की यात्रा की आवश्यकता के बिना घर पर रीडिंग ले सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल अधिक सुलभ और सस्ती हो जाती है। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुक रहा है, वह पहले से ही अपने काम के अगले चरण के बारे में सोच रहा है, जिसमें हृदय रोग से लेकर तंत्रिका विकारों तक की स्थितियों की सीमा का विस्तार करना शामिल है जो तकनीक निदान कर सकती है। संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। अंतिम लक्ष्य एक ऐसा उपकरण बनाना है जो लगातार स्वास्थ्य की निगरानी कर सके, समस्याओं का पता लगाने से पहले कि वे समस्याएं बने, और स्मार्टफोन ऐप की आसानी और सुविधा के साथ ऐसा कर सके। यह दृष्टि महत्वाकांक्षी है, लेकिन अदालत का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वह इसे वास्तविकता बनाने में सक्षम है। एआई और स्वास्थ्य देखभाल का भविष्य की कल्पना एक है, जहां स्वास्थ्य देखभाल न केवल प्रतिक्रियाशील है बल्कि सक्रिय है, जहां तकनीक लगातार हमारे स्वास्थ्य की निगरानी करती है इससे पहले कि वे समस्याएं बढ़ती हैं। यह एक ऐसा भविष्य है जहां कोड ब्रेकिंग और दवा के बीच की रेखाएं धुंधली होती हैं, जहां प्राचीन ग्रंथों को डिसिफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल को मानव शरीर के रहस्यों को खोलने के लिए लागू किया जाता है। रोलैंड डी कोर्ट्स बेल्जियन नर्सिंग होम में एक युवा लड़के से एआई ड्राइव स्वास्थ्य देखभाल में एक ट्रेलब्लेजर तक की यात्रा जिज्ञासा, दृढ़ संकल्प और बॉक्स के बाहर सोचने की इच्छा की शक्ति का प्रमाण है। उनका काम केवल एक नया ऐप या हार्डवेयर का एक टुकड़ा बनाने तक सीमित नहीं है, यह मौलिक रूप से हमारे स्वास्थ्य और बीमारी की धारणाओं को बदलने के बारे में है। कोड ब्रेकिंग के सिद्धांतों को दिल की लय में लागू करके अदालत निदान और उपचार के लिए नई संभावनाएं खोल रही है, जिससे इस प्रक्रिया में संभावित रूप से जीवन बचाया जा सकता है। जैसे जैसे उनकी तकनीक विकसित होती जा रही है, एक बात स्पष्ट है, स्वास्थ्य देखभाल का भविष्य बहुत अलग लग रहा है। अगर आपने अब तक ऐसा किया है तो कृपया हमें नीचे दिए गए टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय बताएं।